हैं, बाकी लोग बाद में सुनी लेंगे, पेज पे तो होगी ऑडियो। देखो यार, आज आने का कोई खास पर्पस नहीं है, बस ये तो पता ही होगा आपको कि हेयरिंग जो है वो परसों है, 29th को, और मैटर भी लिस्ट हो गया है। कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है, तो बस उसी के रिगार्डिंग ये सेशन है। कुछ हैपनिंग नहीं होने वाला, तो ये चीज़ कुछ ऐसा हैपनिंग नहीं है जो मैं शेयर करूँगा, तो ये चीज़ आप समझ लो। बिकॉज़ आई नो कि जब मैं आता हूँ तो आपकी बहुत एक कुछ मतलब देर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस की कुछ होगा, तो ऐसा है नहीं। जैसे कि मैं आपको बस थोड़ी सी चीज़ें रिमाइंड और रिकॉल कराना चाहता हूँ कि अब तक केस में क्या हुआ है और किस वजह से इतनी गड़बड़े भी हुई हैं, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। आपको तो पता ही लग गया होगा कि मैंने NOC ली है और एक दूसरे लॉयर के थ्रू मैंने ये रिकॉर्ड पे लेकर आया हूँ मैं बेल ऑर्डर को, फाइनली रिकॉर्ड पे आया और फिर उस पर मेंशनिंग भी करी है। तो यार मैं आपको कुल मिला के एक चीज़ समझा देता हूँ कि इस पूरे मैटर में मैं तीन कड़ियाँ थी जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला लॉयर था मेरा, दूसरा CBI थी, और तीसरा जजेस। ठीक है, और इसमें से ये फैक्ट था कि कोई भी कड़ी ब्रेक होगी ना तो मैटर ख़राब हो जाएगा, और वैसा ही कुछ हुआ भी है। अब मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या रीजंस थे, बट ये सब हुआ है। प्रशांत सर ने ऑल ऑफ सडन जनवरी के बाद से हमारा साथ देना छोड़ दिया था। चीज़ें हिंट मिल रहे थे और मैंने कभी इन सब बातों को बोला नहीं, बट मुझे अब लगता है कि बोलना इम्पॉर्टेंट है, पता तो होना चाहिए। 29 के बाद जो भी रिजल्ट होगा वो बात की बात है, तब बातें करने का को कोई फ़ायदा नहीं है अफसोस करने का। पहले आप लोगों को पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब पहला सच मैं आपको ये बता दूं कि स्टे विकेट जो हुआ था ना, वो स्टे विकेट जो था वो हमारे लॉयर ने कराया था, प्रशांत सर ने अपने जूनियर को बोल के हमें अंधेरे में रख के, यानी कि उसको स्टे वेकेशन का कोई ग्राउंड ही नहीं था। मेरे काउंसिल ने वहाँ जाके खड़े होके बोल दिया कि हाँ स्टे विकेट कर दो, कोई इशू नहीं। हेलो, एक बारी कंफर्म कर दो कि आवाज़ आ रही है आप लोगों को, प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दो आवाज़ आ रही है क्या। हेलो, अच्छा हाँ ठीक है फिर तो ऐसा ही कुछ ये पैटर्न चलता रहा और वहाँ जाके ये चीज़ें कंफर्म हुई। ठीक है कि ये हमें इमीडिएट कंफर्म नहीं हुआ था कि बोला किसने था, बाद में जाके पता लगा। फिर जब हमें वो बेल ऑर्डर मिला था, तो बेल ऑर्डर 2 अगस्त को मिला, जो फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ। एक्चुअली जो कुछ बेल ऑर्डर में लिखा है वही सब हम स्टेटस रिपोर्ट 5 में एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसके बाद हम चार्जशीट में एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब जैसे कि आपको सबको पता है कि वो चार्जशीट भी रुकवा दी गई, तो प्रेशर तो बहुत ज़बरदस्त है, ये कोई डाउट नहीं है, और बहुत उन्होंने बचाने और छुपाने की कोशिश करी है चीज़ों को। ठीक है, और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल हुए भी हैं और नहीं भी हुए हैं, क्योंकि जिन बातों को छुपाना चाह रहे थे कि सारे पेपर लीक वाली बात, वो बेल ऑर्डर में आ गई, और वहाँ के वो तो कहो कि हम खुश नसीब हैं कि जो सो CBI की जो जज हैं उन्होंने वो चीज़ मेंशन कर दी, वरना ये बात कभी बाहर आ ही नहीं पाती। तो सारी जद्दोजहद उस चीज़ की थी। अब 2 अगस्त से जाके, अब जाके ये डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड आया है, और इस डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पे लाने के लिए ये मेरे काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इसको रिकॉर्ड पे लाएं और इस पे हेयरिंग लें। मगर मैंने एक नहीं, 2 से 3 दफ़ा मैंने प्रशांत सर को अप्रोच किया था। इनफैक्ट जो युवा हल्ला बोल वाले बोलते हैं अनुपम जो हैं, उनको भी मैंने बोला, उनको भी इनडायरेक्ट मैसेज भेजा था कि इस डॉक्यूमेंट को इस बेल ऑर्डर को रिकॉर्ड पे लाया जाए, मगर कहीं से भी फ्रूटफुल आंसर नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो अब सब चुप बैठ गए हैं एक लेवल पे इस केस को लाके। अब मुझे नहीं पता क्या रीज़न थी, क्या वजह थी। काफ़ी दिन तक मैं ऑब्जर्व करता रहा करता रहा, बट फाइनली एक लास्ट लास्ट स्टैंड लिया था। हम 15 से 20 लोग गए थे, 15 से 20 लोग गए थे प्रशांत सर के ऑफिस में। अंदर एक नया पिटिशनर गया था जो कभी आता नहीं था, उसका नाम है ज्ञान, वो गया था, और 2 लड़के और थे, अमरिंदर और शुभम।
उन्होंने भी बेल ऑर्डर की बात ही रखी थी कि सर आप इसको रिकॉर्ड पे लाइए, इसको रिकॉर्ड पे लाइए, और उन्होंने वहाँ भी उनको मना कर दिया था। और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, उन्होंने बोला क्या था मैं आपको बता दूँ। उन्होंने ये बोला था कि इस एग्ज़ाम को आप भूल जाओ, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करो, और इस मैटर के ऊपर बहुत प्रेशर है। तो लिटरली जब अब हमारा काउंसिल जब ये बातें बोल रहा है, तो मतलब हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जीतेंगे, अब आप खुद सोच लो। और बार बार ये तो जताया जाता था कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अप्रोच तो आप ही लोगों ने किया था, युवा हल्ला बोल ने किया था, युवा हल्ला बोल, अनुपम, प्रशांत सर, यही सब ने किया था, यही सब लोग प्रोटेस्ट में आए थे। तो इस फिर इस लेवल या इस स्टेज पे लाके केस को ऐसे छोड़ देना का क्या पॉइंट है? तो कोशिश तो बहुत की हमने, मगर चीज़ें नहीं बैठी, और फिर अल्टीमेटली मुझे एक स्टैंड लेना पड़ा, और जो मुझे लेना था। और नहीं लेता तो आज जो ये जो 29th को हियरिंग आई है वो नहीं आती, ये भी मैं आपको बता दूं। तब मैंने एनओसी की डिमांड करी है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट देरी वेरी पॉइंट ऑफ टाइम मैंने एनओसी की डिमांड करी, और मैंने एनओसी ली। वहाँ पे एनओसी हम दो जनों ने लिया है, मैं बताता हूँ, एक मैंने लिया और एक ज्ञान है पिटिशनर, उसने लिया है। बाकी के जो दो पिटिशनर्स हैं उन्होंने नहीं लिया है। तभी आपने ऑर्डर में देखा होगा कि हाँ प्रशांत सर का नाम है, मतलब प्रशांत सर मुझे और जो दूसरा पिटिशनर ज्ञान है उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, मगर बाकी दो को कर रहे हैं। तो मे बी 29th की हियरिंग में पॉसिबिलिटी है वो आए या ना आए, दोनों ही चीज़ें हैं, और वो उनके ऊपर है। ठीक है, अब उसके बावजूद हमने जो बाकी के दो दो पिटिशनर्स हैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, और बोला था कि यार अब तो तुम बोलो, कंसिडर करो कि वो इस बात को कंसिडर करें कि बेल ऑर्डर को रिकॉर्ड पे लाएं, बहुत क्रूशल डॉक्यूमेंट है। मगर उन्होंने उसके बाद भी ये बात इसके हाँ हाँ करते रहे, हाँ हाँ करते रहे, टालम टाली करते रहे, और टिल डेट अभी तक वो रिकॉर्ड पे नहीं आया है। दूसरी बात, जब उस दिन 15-20 लोग अंदर गए थे, तो हाँ एक बात के लिए वो एग्री किए थे कि मैं अपने लेटर हेड से कमिटी को भेज दूंगा, मगर हम मैंने उनको लिटरली मना कर दिया था, बाकी जो भी गए थे, कि नहीं आएगा तो रिकॉर्ड पे आएगा, हमें जजेस के सामने रखनी है बात, जजेस को पढ़ाना है, जजेस को दिखाना है, और साथ ही साथ कमेटी के सामने भी रखनी है बात ये। तो पहली मीटिंग तो हुआ क्या, ये चीज़ें यहाँ तक एंड नहीं हुई। कमेटी की मीटिंग हुई है दो, सिर्फ दो कमेटी की मीटिंग हुई है। ठीक है, कमेटी की मीटिंग में हमारा नाम लिखा है पिटिशनर्स, हमने बहुत ये भी रिक्वेस्ट करी थी उन्हें कि आप हमें साथ ले जाइए, उन्होंने वो भी मना कर दिया। मतलब एट वेरी लास्ट मोमेंट उन्होंने हर चीज़ से हम, कहने का मतलब ये कि डेस्परेट लिटरली एफर्ट हो रहा था चीज़ें छुपाने का या दबाने का या ना बताई जाए। ठीक है, कमिटी की मीटिंग में हमने जाने की बहुत कोशिश करी, वो भी नहीं हुआ। इनफैक्ट सेकेंड मीटिंग जब होने वाली थी तब भी मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं हुआ। इन बिटवीन मैंने ये भी कोशिश करी थी कि मैं कमिटी के चेयरमैन से जाके मिलूँ, मैं वहाँ गया भी, उन्होंने भी मुझे एंटरटेन नहीं किया। पॉइंट टू में नोटेड, उन्होंने मुझे एंटरटेन नहीं किया। बट वेरी शॉकिंग, सेकेंड मीटिंग के 2 दिन पहले, सेकेंड मीटिंग अगस्त में हुई थी पता नहीं, हाँ हाँ सेकेंड मीटिंग 24 तारीख को थी शायद, 2 दिन पहले, जब थर्ड पार्टी के 30-40 लोग अंदर गए, तो उसमें से दो तीन लड़कों को अंदर परमिशन दी चेयरमैन ने बात करने की, जो हमारे रिटायर्ड जस्टिस, जो जस्टिस जी एस सिंघवी है, उन्होंने बात करने की दी परमिशन, और उन्होंने उनको बिठाया और उनकी बात सुनी, मगर मुझे उन्होंने अलाउ नहीं किया। हाँ वो बात अलग है, मैं हाँ अकेला गया था, ये ज़्यादा नंबर्स में थे, ये बात मुझे नेक्स्ट डे ही पता लग गई थी कि गए हैं, और मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि होता तो वन साइडेड होता, तो बोथ साइड होता होना चाहिए था ना, मेरी बात नहीं सुनी जहाँ पे हम लोग एग्रीव्ड हैं, और थर्ड पार्टी की बात सुनी, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मुझे ये भी याद है कि सुनने में आ रहा था कि जो मुझे पता लगा कि कोई थर्ड पार्टी में लड़का है, उसका पीछे नाम लड़कियों वाला है, कुछ प्रिया प्रिया करके वो गया था अंदर, और उसकी बातें आराम से उनकी बातें सुनी थी। उसके बावजूद मैंने एफर्ट डाले थे, मैंने हैंड डिलीवर लेटर कराया गौरव गुप्ता सर से, उसके बाद मैंने मेल भी लिखा, हम सब ने मेल लिखा, सब सारे पैनलिस्ट को मेल लिखा, और हमने बेल ऑर्डर को नोटिफाई करने की कोशिश की, जो हम हर कोशिश कर सकते थे हमने वो करी, फिर भी वो बातें नहीं सुनी गईं। उधर से उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, ना हैंड डिलीवर लेटर का आया। हैंड डिलीवर लेटर के बारे में उन्होंने मीटिंग के अंदर जिक्र भी किया था, मगर उसको रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया।
फर्स्ट मीटिंग की बात है, फर्स्ट मीटिंग के दौरान ही हैंडल हुआ। उसके बाद हमने मेल किया था, मैंने मेल किया अपनी आईडी से मेल किया, उसका भी रिप्लाई नहीं आया। मैं लॉयर ने भी मेल किया, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो चीज़ें मोटे मोटे तौर पे साफ दिख रही थी कि सब ना बस चुप हैं, मुंह बंद करके बैठे हैं, और सब हैं चुप हैं और मुंह बंद करके बैठे हैं, कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा, सबको पता है कि क्या चल रहा है और क्या हुआ है। कुल मिला के ये थे। तो आप भी मोटे मोटे तौर पर ये समझ जाओ कि मैं फिलहाल में मुझे कॉर्नर कर दिया गया था कि मैं अकेला और बाकी सब मेरे, जहाँ तक कि जो मेरे काउंसिल जो मेरे डिफेंड कर रहा है मेरे को, वो भी अगेंस्ट में। तो ये सारे समीकरण थे जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि भाई अब तो मेरे को एनओसी लेनी ही होगी और स्टैंड लेना ही होगा। फिर मैंने ली एनओसी। लेने के बाद मैंने नए लॉयर को अप्रोच किया और उनको समझाया मैटर, फिर हमने रिकॉर्ड पे लाए। फिर सवाल था मेंशनिंग का। फिर हमने जो ये मेंशनिंग करी है ये मेरे लॉयर ने ही करी है, और उनके 3 अटेम्प्ट के बाद जाके ये मेंशनिंग एक्सेप्ट हुई है। ये मेंशनिंग 14th को एक्सेप्ट हुई है, रिजल्ट से ठीक 1 दिन पहले। हम पिछले इससे पहले हमने 2 अटेम्प्ट और दिए थे, मगर वहाँ पे मेंशनिंग जो थी सक्सेसफुल हो नहीं पा रही थी। तो फिलहाल मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लो, जो काम मेरे एक्स काउंसिल को करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं किया जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे। क्योंकि जो बेल ऑर्डर है ये सबसे क्रूशल डॉक्यूमेंट है, सबसे ज़्यादा क्रूशल, जो सभी सबूतों के आगे ये कह सकते हो लिटरली बाप है, जिसने पूरा का पूरा एग्जाम एक्सपोज कर दिया है, जिसमें ये तक लिखा है कि मेन के जो मेन कल्प्रिट है वो जिंदा ही नहीं है, और कैसे सारे पेपर आउट थे पहले टाइम से बाहर। ठीक है, अब सवाल ये था कि हाँ टाइम से बाहर। तो हमने बहुत कोशिश करी उनको कन्विंस करने की, समझाने की, मगर उन्होंने हमें मना कर दिया। और उनकी ये जिम्मेदारी थी कि ये रिकॉर्ड पे लेकर आएं और मेंशनिंग करें, मगर उन्होंने अभी तक नहीं किया। टिल डेट अब परसों हियरिंग है, अभी तक ये फाइल नहीं हुआ है। दो पिटिशनर्स जो बाकी हैं, वो दो पिटिशनर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे लड़के हैं, मगर वो थोड़े सीधे हैं, काफ़ी सीधे हैं। उनको मैं समझा रहा था मगर वो मान नहीं रहे थे बात मेरी। बट अब हम कुछ कर नहीं सकते। जो जितना कुछ मेरी कैपेसिटी में था, जो मेरे को स्टैंड लेना था, वो मैंने ले लिया। ठीक है, अब उनको भी बोला, उन्होंने भी अप्रोच किया, उन्होंने भी बोला, बात करी, तो उनको ये बोला, उन्होंने ये भी बोला रिजल्ट से पहले कि सर रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं और ऐसी ऐसी बात है। उनको भी लिटरली मना कर दिया, नहीं नहीं हम स्टे के लिए नहीं जाएंगे और हम कोई नहीं करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिकॉर्ड पर लेकर आएंगे और हियरिंग से 2 दिन पहले ले 2-3 दिन पहले लेकर आएंगे, वो भी जब हियरिंग बाय डिफॉल्ट आएगी, मार्क माई वर्ड, वो भी बाय डिफॉल्ट आएगी। यानी कि अगर हियरिंग 2 महीने या 2 साल बाद आती कुछ नहीं पता था, ये तो हमने मेंशनिंग करके हियरिंग ली है। आप समझ रहे हैं ना बात को, ये मेंशनिंग करके हियरिंग लिए वरना ये नहीं आती। अच्छा मेंशनिंग भी हो गई है, मगर अभी तक मेंशनिंग हो गई है, मैटर लिस्ट भी हो गया है, और अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी ये फाइल नहीं हुआ है। हाँ अब शायद ये ऑडियो वॉडियो सुन के अगर कल को कल फाइल हो जाए तो बात अलग है, मगर अभी तक फाइल नहीं हुआ है। तो आपको जो युवा हल्ला बोल और युवा हल्ला बोल के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, अनुपम जी जो बोल रहे थे रियल में कि लीगल टीम काम कर रही है, क्या काम कर रही है, तो आप ज़रूर जाके उनसे पूछिए और ये सवाल पूछिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि अल्टीमेटली वही आए थे हमारे पास हमारी मदद के लिए। ठीक है, और लास्ट मोमेंट पे जब हम इस केस को क्रैक करने वाले थे, तो लास्ट मोमेंट पे इस केस को क्रैक करने वाले थे तो हमें डिच किया गया। इसका सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि बेल ऑर्डर 2 अगस्त को आया था, आज तक युवा हल्ला बोल ने अपने पेज पे एक बार भी इस बेल ऑर्डर को पोस्ट नहीं किया। युवा हल्ला बोल कितना ज़्यादा क्या बोलते हैं कितने एक्टिवली वो काम कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के ऊपर डालते हैं, मगर जिस एग्ज़ाम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इतना एक्टिवली, उसी केस से रिलेटेड इतना क्रूशल डॉक्यूमेंट आया, उनको उन्होंने एक बार भी हाईलाइट नहीं किया, मार्क माय वर्ड, एक बार भी पेज पे एक बार भी उस बेल ऑर्डर को नहीं डाला गया। ऑन रिकॉर्ड लाना तो बहुत दूर की बात है, अब आप खुद सोच लो। उसके अलावा मैंने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल छपवाए जो आपने पिछले कुछ दिनों में देखे भी होंगे, एक भी न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं डाली। तो अब आप खुद समझ जाओ कि उन लोगों का स्टैंड क्या था अल्टीमेटली और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आप सभी लोग समझदार हो, समझदार को इशारा काफ़ी होता है कि क्या इंटेंशन है। ठीक है, तो अब आप खुद सोच लो,
जो मेरे को बोल रहे हैं और डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे वो। तो ये इस पूरी कहानी की सच्चाई है, बट अल्टीमेटली द ट्रूथ इज कि मैं तो मेरा टेम्परामेंट हाई है, मेरे को स्टैंड लेना था और मैंने ले लिया, और उसका कायनाना नाना करते कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही रिजल्ट भी आया, हियरिंग हमें मिल गई है। एंड माई होप्स आर हाई, प्रूफ्स और फैक्ट्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि हारने का तो मतलब ही नहीं बनता जब तक हमारा लॉयर सॉरी हमारा हमारा लॉयर सीबीआई ने तो जो काम करना था कर दिया। सीबीआई का अल्टीमेटली ये था, हम उनसे एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो चार्जशीट फाइल करें, उन्होंने मेन एक्यूज़ के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल नहीं करी। एक्चुअली प्लान कुछ ऐसा था एसएससी का, डीओपीटी का, इन सब का, कि चार्जशीट वो फाइल की जाए जिसमें आधा सच हो, सोनम वाला सच दिखाया जाए, बताया जाए कि भाई उसने पेपर लीक किया और उसने पेपर डाला, इंटेंशन थी इसलिए कि इंटेंशन ये थी कि पेपर को कैंसिल कराया जाए, मगर अगर उसकी बीवी का पेपर ठीक हो जाता तो कोई वो डालता, ये सच बाहर आता नहीं, ये सच नहीं दिखाया ना ये बताया, ना उसके बाद का सच बताया, ना उसके बाद का सच दिखाया कि नहीं बाकी के सारे पेपर लीक थे, तो वो चार्जशीट रोक दी गई। वो तो हम खुश नसीब, हमें समझो कि ये जज ने बेल ऑर्डर में डाल दिया, वरना रिटर्न में कभी नहीं आता। सारी फाइट इसी को थी रिटर्न में लेके, सारी फाइट इसी को थी रिटर्न में लेके कि रिटर्न में हमें चाहिए, रिटर्न में चाहिए, और रिटर्न में आए, और इसी को ही रोकने में लगी थी एसएससी सब मिलके जो रोकने में लगे थे। तो अब आप ये समझ लो कि ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स केस बहुत स्ट्रांग है, जब तक जज हमारे साथ है, और जज सच्ची में अगर फैक्ट्स के ऊपर ही डिसीजन दिए जाते हैं तो केस टोटली हमारे फेवर में है। बेल ऑर्डर आपने पढ़ा ही होगा और उसको पढ़ने के बाद समझ आ ही गया होगा कि ये क्या स्कैम है, मजाक चल रहा था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब पूछो जाके, सवाल करो, ये मैटर जनवरी में ही सॉर्ट आउट हो जाता, जनवरी में ही सॉर्ट आउट हो जाता सारा मैटर, तभी ख़त्म हो जाता, मगर जान पूछ के कमेटी बनाई गई, जान पूछ के कमेटी की तरफ इसको डाला गया, हमारी कोई भी रजामंदी नहीं थी कि कमेटी बनाई जाए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ तरीका बहुत सिंपल सा है, तरीका ये है जो मैं आपको इंटरनल जो मुझे चीज़ें समझ आई हैं, तरीका ये है कि जब कोर्ट हाथ में नहीं आ रहा या कोर्ट नहीं सुन रहा तो मैटर को कोर्ट से बाहर घसीट लो, और एक बारी कोर्ट से बाहर मैटर आ गया फिर सरकार को कौन हरा सकता है, स्ट्रैटेजी ये थी। बट किस्मत ये समझो कि बेल ऑर्डर हमारे हाथ लग गया, बेल ऑर्डर में जो फैक्ट्स लिखे हैं वो हाथ नहीं लगते, तो हमारा केस कब का ख़त्म है, कब का क्लोज है, इन्होंने ऑलमोस्ट वाइंड अप कर ही देना था। तो अब कुल मिला के ये सच है, हाँ लॉयर मिल गया है, लॉयर मिल गया है, उसी लॉयर ने ही मेंशनिंग करी है, आप ऑर्डर में जाके देखेंगे तो ए आर गौरव गोयल के नाम से है मेंशन्ड बाय, तो उन्होंने किए हैं अपीयर, हमारे गौरव गुप्ता सर ही होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि रिजल्ट तो पूरा टेंटेड है, आपको लोगों को पता ही होगा, मेरिट आपने देखी होगी, मेरिट टीए की मेरिट से मत जज करना, क्योंकि जो चीटर होता है वो टीए बनने के लिए पैसे नहीं देता, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए देता है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनने के लिए देता है, तो उनकी मेरिट आप कंपेयर करो तो आपको समझ आ जाएगा, पता लग जाएगा। कुल मिला के एक आध प्रूफ भी दे दूंगा, एक आध चीटर का, मैं मेरे पास तो 20-25 से जो मैंने दिए थे सीबीआई को, ठीक है व्हाट्सएप भी ये थे उन्हें, मगर मैंने फ़ोन चेंज कर लिया तो सारा डेटा मेरा लॉस्ट हो गया, मेरा फ़ोन में सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में था, वो ब्लैकबेरी था, तो इस चक्कर में तो मैं रिट्रीव नहीं कर पाया उन सबको, मगर मैं जैसे जैसे मेरे पास कुछ एक दो के फिर भी प्रूफ थे, मैं एक का नाम भी बता देता हूँ आपको, मैं डाल भी दूंगा अभी इस ऑडियो के बाद, उसकी पीजी पोर्टल पे ऑफिशियली कंप्लेंट डाली गई थी रोल नंबर और नाम के साथ, तीन डाले थे, तीन में से दो सक्सेसफुल नहीं हुए, एक वो सक्सेसफुल, नाम है उसका श्रवण कुमार, ये सीबीआई को दिया भी था पहुंचा भी था, श्रवण कुमार नाम है, रोल नंबर भी है, और उसका रिजल्ट में जाके देखोगे तो 1200 के आसपास रैंक है और डिविजनल अकाउंटेंट बना है वो, ठीक है। और इसकी कॉन्फर्मेशन हमने की भी थी और 100% चीटर है वो, 100% आप देख सकते हैं, ऑफिशियली कंप्लेंट डाली थी उसकी और ड्यूरिंग दी प्रोटेस्ट ही डाली थी पीजी पोर्टल पे, उसकी कॉपी और उसका जो सिलेक्शन जो लिस्ट में जो उसका नाम आया है वो दोनों डाल देंगे, आप देख भी लेना, और ऐसे भर भर के हैं, एक नहीं है, भर भर के हैं, बहुत मोटे लेवल पे हैं।
तो अब खुद सोच लो कि क्या हुआ है, क्या इसकी इनसाइड रियलिटी है इस एग्ज़ाम की। वो तो खैर दिख ही रही है सबको, बट देखो जो कुछ हो सकता था, जितने जितने एफर्ट्स लगा सकता था, दैट जो भी कर सकता था वो मैंने किया है। और देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि अगस्त में बेल ऑर्डर आया था, इसको हाईलाइट करना है, इसको कमेटी के सामने रखना है। कमेटी के सामने भी रखवाया, सेकेंड मीटिंग में जैसे तैसे प्रेशर बनवा के प्रशांत सर ने कमेटी की बात वहाँ जाके फाइनली रखी थी, ये भी एक सच है, उन्होंने सेकेंड मीटिंग में जाके रखी थी। लेके फर्स्ट मीटिंग में भी गए थे, तब उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया था इसका, सेकेंड मीटिंग में जाके बात रखी थी उन्होंने। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है, कमेटी की मिनट्स ऑफ मीटिंग एज अ पिटिशनर हमारे काउंसिल को मिलना चाहिए, मगर हमें आज तक मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं मिली है। फर्स्ट की तो आई नहीं है, सॉरी फर्स्ट की तो मिनट्स ऑफ मीटिंग आई है मगर हमें आज तक दी नहीं गई है। सेकंड की मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं आई है, रिपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, कमेटी की अभी तक तो कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कट। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब लोगों को पता है, सब लोग मुंह बंद करके, देखो स्ट्रैटेजी ऐसी है, सीबीआई का मुंह बंद करा दो, कमेटी का मुंह बंद करा दो, इधर मेरे काउंसिल जो एक्स काउंसिल है इधर चुप करा दो, हियरिंग हो नहीं रही है, हियरिंग लेने की जरूरत नहीं है, एसएससी के प्रोसेस पे कोई स्टे नहीं है, प्रोसेस को आगे बढ़ाते दो, ज्वाइनिंग तक ले जाओ, हाँ ठीक है, फिर हो गया, फिर जो सिलेक्टेड चाहे टेंटेड हैं चाहे जो भी कैंडिडेट्स हैं जितने भी हैं वो अपने आप निपट लेंगे, देख लेंगे, स्ट्रैटेजी ये है अल्टीमेटली। तो इसी को इसी इसी शैकल को ब्रेक करने की कोशिश करी है मैंने, और जो मैं कर सकता था, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो 2 अगस्त को बेल ऑर्डर आया था, मेरे को कमिटी के सामने रखवाना था, वो किया है, इसको हाईलाइट करना था मीडिया में, वो कर दिया है, इसको सारे पैनलिस्ट को भेजना था, वो भी कोशिश की, फिर इसको रिकॉर्ड पे लेकर आना था कोर्ट में, वो भी ले आया हूँ, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस पे हियरिंग हो, जज इसे सुने पड़े, अब 29th को वो भी हो जाएगा, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम आई कुड डू। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सब सब मिल बैठ के लगे हुए हैं बचाने में, सब मिल बैठ के लगे हुए हैं बचाने में, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी लास्ट मूव लास्ट दाव बाकी है, दिक्कत मतलब जो जो भी कुछ है ऑप्शंस उनको एक्सप्लोर मैंने किया है, और अच्छा खासा होमवर्क किया है, कहाँ करेंगे कहाँ घुमाएंगे उन सब पे काम किया है। लेट्स होप कि अभी जो हमारा हमारी ये पहली काउंसिल पहली हियरिंग होगी नए काउंसिल के साथ, प्रशांत सर वहाँ होंगे नहीं होंगे, आई होप उनका स्टैंड बदले, जो भी उनकी मजबूरियाँ, शायद वो हमारी बात सुने और हमारे साथ आएँ, क्योंकि उन्होंने खुद ही वॉलंटियरली आके प्रोटेस्ट के दौरान आके हमें बोला था, और उन्होंने कहा था कि फ़ाइट करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट भी लड़ेंगे, और हाँ ऑन एंड ऑफ हमें ये ज़रूर जताया जाता था कि फ्री का है फ्री का है फ्री का है, अरे तो भैया हमने कब बोला था, आप ही एग्री किए थे ना फ्री का है, आप ही तो आपने तो बोला था ना फ्री में करना है, फीस लेनी है ले लेते, बोल देते, और ये सारा गड़बड़ तो सबसे बड़ी वजह तो यही है कि ये फ्री का केस है, तो आगे से कोई लॉयर स्पेशली अगर ये बोले ना तो गलती से भी इस ट्रैप में मत पड़ना भाई, पैसे ले ले, हाँ क्योंकि जब आप किसी को पैसे देते हो ना तो अकाउंटेबिलिटी होती है, वहां पे आप कोई भी बात बोल सकते हो सकते थे, या हमारी या हमें अंधेरे में रख के स्टे विकेट करा दिया, हमारी बिना मर्जी से कमेटी बनवा दी, कमेटी को जो बनना था वो रिफॉर्म्स के लिए बनना था, उसको एग्जाम का फेट डिसाइड करने के लिए दे दिया, खैर अब वो भी पॉइंट नल एंड वॉइड हो गया क्योंकि बेल ऑर्डर आ गया, जो सवाल पूछो बेल ऑर्डर ने उनके जवाब दे दिए, तो वो भी खत्म ही हो गया। दूसरी चीज़ यही सब चीज़ें अपनी मनमानियाँ की गई लास्ट मोमेंट पे, बिफोर जनवरी उन्होंने पूरा कोऑपरेशन दिखाया, पूरा सपोर्ट किया, जो मैं बोलता था वैसे ही उन्होंने बात सुनी, और हम जो लीगल में जो लोग थे, हम तीन थे, प्रशांत सर मैं और गोविंद जी उनके जो जूनियर हैं, और जब स्टे विकेट हुआ था तो एक और पिटिशनर साथ आ गया था, कन्हैया, ठीक है कन्हैया आ गया था, और उसने भी फिर असिस्ट करना शुरू किया, और मगर तब तक वो सुन रहे थे, तब तक थिंग्स वर गोइंग इन अ वेरी स्मूथली मैनर, सिर्फ अपने दिमाग से हमने बैठे बैठे सीबीआई से पूरी इन्वेस्टिगेशन करा डाली। जब स्टे विकेट हो गया था तो स्टे विकेट होने का सबसे बड़ा नुकसान यही था कि सीबीआई के ऊपर से प्रेशर हट गया, फिर भी मेरा एक दाव बाकी था जो बहुत इंपॉर्टेंट था अरेस्ट का, तो जो जितना मैंने चीज़ों को समझा, फिर मैंने एक लेटर कैंपेन भी शुरू किया था, मेल कैंपेन,
और दबा के मेल किए थे सीबीआई के ऑफिशियल्स को, जिन जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर बना था, उनके बाद उन्होंने अरेस्ट भी किए। उस अरेस्ट के बाद मेरे को लग रहा था कि चीज़ें स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि चार्जशीट टैम्पल तो हो नहीं सकती है जैसे स्टेटस रिपोर्ट 405 की इन्होंने, बट जो चार्जशीट है उसको डिले किया जा सकता है, और वही उन्होंने किया। मगर डिले तो किया, मगर बेल ऑर्डर में वो फैक्स आ गए, जो उसके जो पूरी इन्वेस्टिगेशन का क्रक्स है वो आ गया, तो वो हमारे लिए बड़ा काम की चीज़ थी। तब उसी पे ही हियरिंग है, 29 की जो हियरिंग है प्योरली उसी पे बेस्ड होगी, और उसी चीज़ को हमने आगे रखा है, बात रखी है, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जैसे कि कल भी एक अच्छा जजमेंट आया है जस्टिस रमन्ना की बेंच से, तो हम भी होप करते हैं कि हमारी बेंच से भी आए। और पीछे मैंने देखा था कुछ रूमर्स भी फैलाए जा रहे थे पेजेस पे कि बेंच चेंज हो गई है, बेंच चेंज हो गई है, तो मैं आपको बता दूं बेंच कोई चेंज नहीं हुई है और ना ही होनी थी। जस्टिस बोबडे, ऑनरेबल जस्टिस बोबडे वैसे भी इस मैटर को लेके बहुत सीरियस है, और शुरू से उन्होंने सुना, एक बारी माहौल बना भी था, उन्होंने बोला भी था हमारे काउंसिल्स को कि यू वॉन्ट मी टू ट्रांसफ़र दिस मैटर टू अनदर बेंच, तो मना कर दिया था। तो एक बार ऐसा माहौल बना भी था, क्योंकि वो थोड़े फ्रस्ट्रेट इरिटेट हो गए थे कुछ आर्ग्यूमेंट्स के दौरान। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर सवाल करने हैं तो जाके पूछना है तो अनुपम भैया से जाके पूछो, युवा हल्ला बोल की टीम से जाके पूछो, उनकी जो सो कॉल्ड लीगल टीम है उनसे जाके पूछो कि कहाँ है आपने बेल ऑर्डर अभी तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? आप तो बहुत जोश में रहते हो कोई भी फैक्ट्स को लेके, प्रेस कॉन्फ्रेंस पेपर उसमें तो साफ लिखा है सारे पेपर लीक हैं और एक बंदा तो जिंदा भी नहीं है, क्यों नहीं करी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों नहीं किया? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ो, अपने पेज पे डाल देते, न्यूज़ रिपोर्ट्स आई थी वही पेज पे डाल देते, कुछ नहीं डाला। अब आप खुद सोच लो कि किसने हमें लास्ट मोमेंट पे धोखा दिया है। बट ऐसा नहीं है कि लाइक दीज पीपल आर गॉड, बाकी कोई नहीं है इस दुनिया में। स्टैंड लेना था, लिया, दूसरे लॉयर के थ्रू जा रहे हैं एंड वो हमारे लिए आर्ग्यूमेंट करेंगे। रेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं क्या होता है। तो एनओसी की क्या रीजंस थे वो मैंने आपको सारे समझा दिया, और जो कुछ हुआ है, अगर हमारे काउंसिल हमारे साथ रहते तो ये चैप्टर जनवरी के आसपास ही क्लोज हो जाता, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। डिफेंस में कुछ था नहीं, डिफेंस में यही था कि प्रोसेस को डिले कराया जाए, जजमेंट को, वर्डिक्ट को डिले कराया जाए और प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाए एग्जाम के, उसी आड़ में ही एग्जाम को बचाया जा सकता है। मगर जैसे जैसे इन्होंने उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया वैसे वैसे इनके और कपड़े उतरते गए। ठीक, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 2 अगस्त की जब बेल ऑर्डर हाथ आया, तब इनके पूरे इनके एग्जाम के पूरे कपड़े उतरे। और ये हकीकत कोई इस एक एग्जाम की नहीं है, हर एक एग्जाम की है, बस फर्क ये है कि इस पे सीबीआई बहुत ही एक्सक्लूसिवली इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उन्होंने कुरेद कुरेद के प्रूफ निकाले हैं, और सीबीआई ने बहुत ही कमेंडेबल जॉब किया है इसमें, बहुत अमेजिंग काम किया है इन्होंने। उन्होंने चीटर्स को पकड़ा है, जो पेपर पड़े हैं उनको पकड़ा है, काफ़ी बच्चों को मतलब नैरो डाउन किया है, स्क्वायर डाउन किया है उन्होंने, जहाँ पे पता भी लगाया है। एक आध कैंडिडेट तो ऐसे था, उनसे पूछा, उसने किया, उसने बताया राजनगर एक्सचेंज में पेपर पढ़ा है, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ मैं 1-2 दिन के लिए वहाँ पेपर पढ़ रहा था, और 250 से 300 उस दौरान पेपर पढ़ के गए हैं। अब वो 250-300 सिर्फ एक इमेजिनेबल नंबर है जो उसने उस टाइम वो सेंस किया, इन रियलिटी उसके पहले कितने आए, पहले बाद में कितने गए कुछ नहीं पता। आपका बगल वाला भी जो होगा वो बोल रहा होगा कि मेरी रैंक कहीं आई, आप पता ही नहीं कर सकते हो पेपर पढ़ के गया। पेपर पढ़ने वाले बच्चे को आप कैसे पकड़ लोगे, और कैसे कैसे पकड़ लोगे, कैसे कैसे आप उसको जज कर लोगे कि पढ़ा है? क्योंकि जरूरी है क्या चीटर कोई एक अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से, या जिसे अंग्रेजी ठीक से बोलने नहीं आती वही करेगा? कोई भी कर सकता है, अभी कोई भी पढ़ के जा सकता है, आप जा सकते हो, मैं जा सकता हूँ, कोई भी जा सकता है पढ़ के। जरूरी नहीं है जो जिसका एकेडमिक्स बुरा हो और एकेडमिक्स में जो अच्छा ना हो वही पेपर पढ़ के जाएगा, जिसका एकेडमिक्स अच्छा होगा केक वॉक किसको पसंद नहीं है? 21 का तो वैसे ही सबको केक वॉक मिला हुआ है, आपने देखा ही होगा, जिस जिसका सिलेक्शन हुआ है देख लेना, सारे 21 के ही हैं, गिने चुने मिलेंगे आपको जो मिलेंगे, और जो गिने चुने मिलेंगे वो कोई बड़ी बात नहीं, वो पढ़ पढ़ के गए हैं। वो 17 के देखो, 17 का तो दूर दूर तक मिलेगा ही नहीं आपको, नाना करके मिलेगा। एग्जाम जब कैंसिल होगा तो पूरा होगा सीजीएल मिश्रा, ठीक है ना? हाँ,
मेंस ना, मेंस का पूरा पेपर पहली 15, मतलब 1500-2000 क्वेश्चन पहली से आउट थे, वो भी इंग्लिश के भी। मतलब साला कुछ छोड़ा नहीं, अबे अंग्रेजी तो कर लेते कम से कम, वो भी बाहर निकाल डाला। ठीक है, तो खुद समझ लो। और ये बैकबोन है, ठीक है, मेंस सीजीएल के एग्जाम की जो रीढ़ की हड्डी है वो मेंस है ना, तो खुद समझ लो यार। अब वो जज के ऊपर है, वो उनके इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, वो क्या करते हैं। और ऑब्वियस ही बात है यार, पीआईएल है, और पीआईएल है पब्लिक इंटरेस्ट में है। जो टीयर 2 में पढ़ के आ रहा है पेपर, उसने टीयर 1 में ऐसा कुछ ना किया और मेहनत से लेकर आओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चीज़ें अंडरस्टूड होती है, वो जजेस की विजडम के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी कैसी इंटरप्रिटेशन है उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी बात ये है कि ऑनरेबल जस्टिस बोबडे ही हमारा मैटर सुनेंगे, और अब तो सीजीआई भी हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्टिस के लिए, हमें जस्टिस मिलेगा। बाकी देखते हैं, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, समझा ही दिया है। बाकी उम्मीद करते हैं, क्या पता कल फाइल हो जाए, कल रिकॉर्ड पे लें, प्रशांत सर फाइल कर दें, करवा दें, बाकी उनके ऊपर है। परसों हियरिंग है, बाकी देखते हैं। ठीक है यार, चलो, सारे ही भाई 21 के हैं यार, मैं भी 21 का क्या हूँ। चलो यार, वाइंड अप करते हैं। हाँ विनय कुमार, ऑब्वियस ही बात है, बोलने वाली बात थोड़ी है। वो तो अभी तक तो एसएससी यही बोलती रहती थी ना कि पेपर 21 का लीक हुआ है, 21 का मैच, और हमने उसको क्या बोलते हैं, री एग्जाम करा लिया 9 तारीख को। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, 9 तारीख का पेपर भी आउट था। मगर अब मैं बताता हूँ वजह क्या है, वो लिखा क्यों नहीं गया है। उसके पीछे प्रॉब्लम ये है कि देखो यार, सीबीआई ना है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपनी रीच से बाहर जाके काम करेंगे तो उनके ऊपर खतरा बन जाएगा। ऑफिशियली जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई थी वो 17 से लेके 22 के ऊपर हुई थी। तो मैंने बात बोली भी थी, आपने 22 को क्यों नहीं इंक्लूड किया, कह रहा है 17 से 21 सारे 22 का पेपर दिया है तो ये उसी प्रोसेस से गुजरे हैं। तो क्या है इसमें यार, मतलब कहने का मतलब है चोरी तो हुई है ना। तुम अब ये कह रहे हो कि एक डकैत गया है, उसने 10 लाख का हार नहीं, 3 लाख का हार चुराया, 10 लाख का नहीं चुराया, अबे चोरी तो की है ना। तो बस पॉइंट ये है, तो इतना कुरेद नहीं, क्योंकि वैसे ही उनको 1 साल लग गया यही यही फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे एस्टैब्लिश तो पहले ही हो गया था, जब मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि पेपर सारे लीक है अराउंड लास्ट ईयर। मगर इनको पेपर पे लाने में सीबीआई ने बहुत मेहनत करी है, मैं आपको बता रहा हूँ। उनको बहुत तरीके से रोका गया, मगर उन्होंने बहुत ही कमेंडेबल जॉब किया है इसमें, इनको रिकॉर्ड पे लाने के लिए बहुत बहुत, और एक मिला जुला एफर्ट रहा है इसमें लीगल का, लीगल की तरफ से ही। देखो ना, स्टे हट गया तो सब ठंडे पड़ गए वहाँ, उनके पास अब कोई प्रेशर नहीं है, सारी इन्वेस्टिगेशन ठंडे बस्ते में, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे ना, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने 5 अक्यूज अभी, जो भी चीटर्स को किया है, स्क्वायर डाउन किया है, जो एफआईआर में चीटर्स हैं वही चीटर्स हैं। मैं आपको बता दूं, उसमें से भी जो सुमन सिमरन है उसको डिबार नहीं किया, बाकी के 5 को किया है। ठीक है, बाकी के 5 जो भी 6 हैं उनको किया है, और उन्हीं को ही चीटर बोला है, और इन्हीं को ही एसएससी ने डिबार किया है। अच्छा, उनमें से सिर्फ 2 के अगेंस्ट अभी चार्जशीट फाइल हुई है, एक सोनम और उसके पति के अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि उसी के पति ने 21 की आंसर की डाली थी, और दूसरा आपका कौन से है, वो धीरज, धीरज करके है, धीरज है शायद, हाँ धीरज, धीरज के अगेंस्ट हुई है, मगर अक्षय मलिक के अगेंस्ट नहीं हुई है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मेन अक्यूज वो है, पेपर लीक जो सब आए थे उसी के भाई के पास आए थे, उसी ने दिए थे, वही सब किया था। और ये पेपर एक जगह पढ़ाए नहीं गए थे, मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ, राजनगर एक्सटेंशन तक नहीं थे। खुद सोच लो, किसी ने अगर 20-30 करोड़ में भी खरीदा है तो पहले तो कॉस्ट की रिकवरी करेगा, और वो कैसे करेगा जब उसको मैक्सिमम लेवल पे बेचेगा, ठीक है ना। तो मल्टीपल प्लेसेस पे थे ये सब केस डायरी, और वहाँ सब चीज़ें केस डायरी और चार्जशीट में सारी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है ना। एनीवेज चलो, अब वाइंड अप करते हैं, यही केस का सच है, बाकी 29 को देखते हैं जीतेंगे या हारेंगे। मेरी तरफ से तो पॉजिटिव है सब, फैक्ट्स बहुत जबरदस्त है अपने पास, मेरा स्टैंड आज भी फर्म है, हैशटैग कैंसिलेशन इनएविटेबल, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। और वो मिनिमम जस्टिस है, मिनिमम, मैक्सिमम तब होगा जो हमारे जो सजेस्टेड रिफॉर्म्स है उन पे काम किया जाएगा। बाकी होप,
फॉर द बेस्ट 29th का वेट करो, बाकी जो कुछ जितना मैं घेर सकता था मैंने घेरा है और आई गेस काफी घेर लिया है। चलो यार वाइंड अप करते हैं। अबे भाई मेरे दुख मत देख, मेरी चिंता ना कर। तुझे मैं एक फैक्ट बात बता दूं, तू मेरी चिंता कर रहा है। अगर तेरी जॉब लग गई तो ठीक है, मगर एक बात समझ लेना, अगर ये सारी चीजें, अगर ये इस केस का कुछ होता नहीं है, क्लीन चिट मिल जाता है, तो मैं तुम्हें एक फैक्ट बात बता देता हूँ। जो टॉपर्स हैं, या तो तुझे नौकरी हासिल करने के लिए टॉपर बनना होगा, मगर अगर तू सोच रहा होगा ना कि अबव एवरेज और एवरेज स्टूडेंट पढ़ के मेहनत करके चीटर्स को भी कम्पीट कर लेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा जो कंपटीशन है ना वो पहला चीटर है, उसके बाद टॉपर है, उसके बाद एवरेज, अबव एवरेज, फिर एवरेज। अब तुम खुद सोच लो, और ये कोई कोई हैलुसिनेशन नहीं है कि चीटर्स हैं, कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये 17 की जो भी फाइंडिंग्स हैं उसने एस्टैब्लिश कर दिया है। बात भी अगर एग्जाम बच जाता है ना, तो जो छाप रहे हैं ना नोट, उनका मॉरल देख लेना किस लेवल का होगा, किस लेवल का होगा उनका मॉरल। और आप क्या सोचते हो, 18 में नहीं हुआ, 18 में भी हुआ है, आ भी रहे थे। हमने कहा भैया अब एक केस है उससे निपटने दो, बाकी भाड़ में जाए, बहुत हो गया। क्योंकि हमारे लास्ट मोमेंट पे हमारे लॉयर ने भी हमारा साथ नहीं दिया, पता नहीं क्या रीजंस हैं, गॉड नोज। बाकी देखते हैं 29 को क्या स्टैंड रहता है उनका, और उम्मीद करते हैं अगर कल का दिन है फाइल वाइल कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये समझ लो ये मैं दूसरे लॉयर के पास गया और मैंने फाइल करवा दिया तो फाइल हो गया, वरना बेल ऑर्डर कभी रिकॉर्ड पे नहीं आता, ना ही ये हेयरिंग आती, और हेयरिंग बाय डिफॉल्ट कब आती ये आप सोच लो। हाँ यार थोड़ा कनेक्शन इशू हो गया था। कमेटी को 3 महीने हो चुके हैं, 17 इस महीने की 17 तारीख को 3 महीने हो चुके हैं, उनको रिपोर्ट दे देनी चाहिए थी और अभी तक रिपोर्ट दी नहीं है। मिनट्स ऑफ मीटिंग ही नहीं आई है सेकेंड मीटिंग की, तो रिपोर्ट तो बहुत दूर की बात है। चलो वाइंड अप करते हैं बाकी।